अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ हों। तो जी आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। और व्लॉग आज का कुछ यूं है, तो जी मामा ने घर में बनाई थी आलू अरबी, जो कि मेरा खाने का मूड नहीं था, तो मैंने मंगवाए हैं जी आलू, जो कि हमने काट कर पानी में रख दिए हुए हैं। ये मैदा है और ये जी बॉल, और ये हमारा सेटअप लगा हुआ है। तो जी बनाते हैं आज क्या बनाते हैं? आलू अरबी तो आगे बनी हुई है। आज बनाएंगे हम चिप्स। कौन सी वाली? पता नहीं। अच्छा जी, और भी कुछ हम लाए हुए हैं साथ, उसी को भेजा था मैंने। मैंने कहा यार कुछ खाना है, तो क्या करें, कह रहा था 4 बजे आता हूँ और वहाँ से जाके लेके आता हूँ जी चाट वगैरह या शवारमा बर्गर ले आता हूँ। मैं कहा नहीं यार, घर में कुछ ट्राई करते हैं, तो इसे चाट मसाला मंगवा लिए, बनाते हैं आपके सामने और खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा लगा है। कुकिंग स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारा घी वाला डब्बा पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है और चीज़ें सामान हमारे पास कंप्लीट है। छाना ले यार, इसके साथ वो निकालते हैं बाहर, क्या नाम है उसका, निकालते हैं ऑयल में से। और खैर ये काम हम पहले भी करते रहते हैं, लेकिन ऑन द कैमरा पहली बार करने लगा हूँ मैं। कभी गोश्त वगैरह या कभी पकौड़े वगैरह, जब भी दिल करता है घर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं उसे खुद ही करके। और समझ लीजिए कि हमारे घर में ना ऐसा ही होता है, लड़के अक्सर ऐसा करते हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बनाते हैं और खाते हैं। अभी हमारा दिल कर रहा था, हमने मामा को बोला कि चूल्हा वेला करो, असी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करिए, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं साथ साथ। और अगर वीडियो का मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो करते हैं जी अभी शुरू। हाँ शुरू, चलें जी। जो गंद निकला फेंक क्या उधर, और करते हैं जी अभी अपना कार्यक्रम शुरू। नहीं जी अभी इसमें डालेंगे जी घी, कसम नहीं जी, अभी घी वगैरह डाल लिया और करते हैं जी प्रोग्राम को स्टार्ट। पहला बैच मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा वीडियो के साथ, उसके बाद ही करेंगे हम हाई पर लाइफ पे शिफ्ट। इसको जो हमने मैदा लिया है उसके अंदर हम डालेंगे जी थोड़ा सा नमक, इसलिए कि इसका टेस्ट बन जाए। नहीं जी हमें जितना भी बैच निकालना उसके हिसाब से हम डालेंगे जी इसके अंदर। आलू और इसका पानी सारा निकालेंगे इसके अंदर से, और उसके बाद जी इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा, मैदा डालने के बाद थोड़ा सा दिया जाएगा इसमें नमक, और इसके बाद जी हम इसको करेंगे ऐसे मिक्स। इसके अंदर क्रमी होना स्टार्ट हो गई, ये मैं ज़रा आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। माशाअल्लाह देखें इसके अंदर अभी क्रम हो गए हैं, क्रम हो गए हैं। अभी जैसे ही ऑयल गर्म होएगा तो इसको इसके अंदर डालेंगे। लें जी अभी हल्के ब्राउन हो गए हैं और इनका कलर आ गया, इन्हें निकालते हैं जी बाहर, इतने क्रंची बनेंगे। आया है चा ये सुने जी आवाज करा रही, हाय हाय ये देखें जी इसके, अरे हाय गर्म बहुत है, ये इसकी कोटिंग देखें, आए हाय। अभी इस पर जब मसाला वगैरह लगेगा ये और मज़ेदार हो जाएंगे।
लें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गई हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी कैमरा लेके चलते हैं अंदर और इसमें जो मसाला जार डालने हैं वो आपको दिखाते हैं। लें जी हमने सारे बैच निकाल लिए हैं, उसके बाद ये है जी चाट मसाला जो इसका असली जायका बनाएगा और इनको हम डालते हैं जी इसके अंदर। और ये चाट मसाला है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं हर बैच में भी, अगर नहीं तो हर बंदा अपने टेस्ट के मुताबिक डालता है। खैर हमने तो चटपटा करना है तो हमने सारा का सारा ही डाल देना है। और ये बात सुन रहे हैं आप कितनी कड़क आ गई। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे चाट मसाला। हाय हाय मेरे मुंह में पानी आ रहा है सब कुछ। इधर आगे कर इसको क्लोजअप, ये मसाले से भरपूर आए हाय है चसा। फिर से हम ऐसे करेंगे, आई थिंक जी काफ़ी हो गया मसाला। अभी जरा से हम करते हैं टेस्ट और ये जो केचप बनाए हुए थे थोड़ा सा केचप रखें। ओह माय गॉड करवाते हैं चेक जी सुना रहे चल रही वीडियो चले करें से अगर और मसाले की जरूरत होगी तो बता। अच्छा भाई बहुत अच्छी बनी है ठीक बनी है। ले जी ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप भी अपने घर में ऐसे ही अपने टाइम को जो है थोड़ा सा अपने बोरिंग टाइम को अच्छा बना सकते हैं। मैं घर में बोर हो रहा था, सालन पका हुआ रोटी पकी हुई थी, लेकिन मैंने कहा जी मैंने नहीं खानी और मैंने जी अपने लिए ये तैयार कर लिया, अभी ये सबको खिलाते हैं और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अब नीचे कमेंट पता क्या आएंगे, मुबशर सदीक फ्रॉम द्रास। काफ़ी मज़े के लग रहे हैं मुझे भी और मैंने खाए हैं टेस्ट किए हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे मुंह से बार बार पानी आ रहा है। मैं इसे खाता हूँ और ख़त्म करता हूँ, आप तब तक फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को।